मुमताज की बहुत ब्यूटीफुल झलकियाँ देख ली, उस तिलिस्मी दुनिया की जिसकी अभी आपने सिर्फ झलकियाँ देखी हैं, उसकी विस्तृत यात्रा पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। आज है डे वन, हम आपको पहुँचाएंगे आदि कैलाश तक, वही जगह जहाँ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी होकर गए हैं। अभी हम हैं धारचूला में, ये बेस भी कहा जा सकता है इस पूरी यात्रा का, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। मेरे सामने काली नदी है और काली नदी के उस पार जो आपको नज़र आ रहा है वो धारचूला नेपाल का हिस्सा है। ये नदी बीच में दोनों देशों को बांटती है। यहाँ से डेवन की हम लोग शुरुआत करेंगे, आपको लेकर चलेंगे उस तिलिस्मी दुनिया में जहाँ के लोगों को तीन देशों का नागरिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कौन सा समुदाय रहता है, कैसी लाइफस्टाइल है, कैसा कल्चर है, कैसी फूड हैबिट्स हैं, इतने हाई एल्टीट्यूड पर लोग कैसे रहते हैं, उस यात्रा पर आपको आज हम लेकर चल रहे हैं। तो चलिए धारचूला से निकलकर आपको पहुंचाते हैं आदि कैलाश, ओम पर्वत, गर्भ्यांग गांव, कुटी गांव, नपलच्यू और ये जितने इंटरेस्टिंग नाम आपको सुनने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनकी कहानियाँ हैं, इनकी किंवदंतियाँ हैं, इनसे जुड़े हुए कई जादुई तिलिस्मी किस्से हैं। वहाँ के बुज़ुर्गों से बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और आपको लेकर चलेंगे आदि कैलाश की यात्रा पर। तो आइए शुरू करते हैं यात्रा। गुड मॉर्निंग अमित भाई। मॉर्निंग राहुल भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? ये है अमित भाई, अमित भाई हमको लेके चलेंगे आदि कैलाश की यात्रा पर और ये है हमारी गाड़ी। और धारचूला ये पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। जिन लोगों को धारचूला के बारे में नहीं पता, कई लोग बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया, हमारी गलती होती है कई बार, हमको लगता है कि उन जगहों के नाम इतने प्रोमिनेंट हैं। धारचूला एक तहसील है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नरी के पिथौरागढ़ जिले में आती है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित जगह है और इसी को बेस माना जाता है। तो चलिए अमित भाई सामान रखते हैं। लाइए सामान। ये राइट हैंड साइड में काली नदी है और काली की उल्टी दिशा में बढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ऑलमोस्ट तवा घाट पहुंचने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव इसलिए है क्योंकि यही तीन जो घाटियां हैं उनकी शुरुआत होती है। यहां से अगर हम काली की दिशा में ही आगे, काली की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग व्यास वैली में एंटर करेंगे। तो यहां से अब यहां पर एक मंदिर है, इस मंदिर का भी कुछ महत्व है और हमें एक स्थानीय व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था कि यहां पर एक रिचुअल है जो किया जाना चाहिए, तो उसको करने के लिए उतरते हैं और मैं साथ में आपको यहाँ से ज्योग्राफी का एंट्रेंस बताता हूँ इन तीनों घाटियों का। ये धौली गंगा और काली गंगा का संगम है तवा घाट में और जिस तरफ से धौली गंगा आती है ये बाईं तरफ से धौली गंगा आ रही है, यही रास्ता जाता है आगे दारमा को और चौंदास को। और ये काली की विपरीत दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम आज बढ़ेंगे आदि कैलाश की तरफ, वो व्यास वैली की तरफ जाता है। अब ये यहाँ हम रुके हैं अगरबत्ती जलाने के लिए मंदिर के पास में। इस मंदिर का महत्व ये है कि यहाँ पर ये सफ़ेद रंग का एक कपड़ा चढ़ता है, इसको धजा कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोग जब चौदास वैली में गए थे कंडाली फेस्टिवल को शूट करने, वो कंडाली फेस्टिवल का डिटेल्ड एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। वहाँ जब हम शूट करने गए थे तो एक स्थानीय लड़की हमारे साथ थी, उनका नाम था शीतल गर्भ्याल, गर्भ्यांग गांव की वो रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि ये रिचुअल यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए कि जब भी इन घाटियों में एंटर किया जाए तो यहाँ सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए उनके जो ईस्ट हैं उनको प्रे करना चाहिए कि हम आपके शरण में आ रहे हैं, हमारी यात्रा ठीक से हो। ये स्थानीय लोगों का बिलीफ है, वो हमेशा यहाँ से जब भी ऊपर अपनी घाटियों में वापस लौटते हैं तो ये करते हैं। उन्होंने ये किया और उन्होंने हमको एक नहीं कई बार ये बोला था कि आप लोग ज़रूर जब यहाँ जाएं तो अगरबत्ती ज़रूर जलाइएगा मंदिर के पास। तो शीतल ये प्रोग्राम ज़रूर देख रही होंगी और उनको ये देखकर खुशी होगी कि हम लोगों ने उनकी बात मान ली। धारचूला से तकरीबन 50 किलोमीटर चल के हम लोग पहुंच चुके हैं मालपा और इस जगह की एक सिग्निफिकेंस रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा में। एक बहुत दुखद इतिहास यहां से जुड़ता है। मेरे पीछे की ये जो पहाड़ी देख रहे हैं
यहाँ कभी एक भरा पूरा कस्बा हुआ करता था, कुछ वैसा ही जैसा केदारनाथ में रामबाड़ा कस्बा था जो 2013 की आपदा में पूरी तरह मिट गया। वैसे ही मालपा में एक कस्बा हुआ करता था, यहाँ KMVN का एक गेस्ट हाउस हुआ करता था और वो पूरा पहाड़ जब टूटकर नीचे गिरा तो सैकड़ों लोगों को लील गया। और इसलिए भी चर्चित हुआ था कि कबीर बेदी, जो फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम हैं, उनकी वाइफ प्रतिमा बेदी, वो भी उस हादसे में, कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो लोग जा रहे थे वो भी उसमें शामिल थी, उनकी भी उसमें डेथ हुई थी। अब यहाँ पर कुछ दुकानें नहीं हैं, कोई कस्बा नहीं है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्यास घाटी का जो पहला गांव आता है नीचे लोअर व्यास का, बुधी उसका नाम है, बुधी की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं और पहला गांव बुधी पहुँच रहे हैं। ये हम व्यास वैली के पहले बड़े गांव बुधी के पास पहुंच चुके हैं। पीछे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमें प्रसाद, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित भाई हमारे लिए प्रसाद लाए हैं। और ये तो वो संभवतः वो प्रसाद है जो सबको दिया जाता है, बाहर वालों को दिया जाता है, लेकिन इससे बेहतरीन एक लोकल प्रसाद नीचे बन रहा है। वहाँ से आपको इस पूरी रंग कम्युनिटी की जो फूड हैबिट्स हैं उनकी झलक आपको हम दिखाते हैं। इस प्रसाद को खाने के बाद अभी आपको दिखाते हैं असल प्रसाद कैसा बना है। और इत्तेफाकन लंच का टाइम हो गया है, लगभग दिन के 2:30 बजे हैं। हम लोगों को मालपा जी ने, जिनकी कार हमने हायर की है, वो हमको यहाँ मिले और उन्होंने हमको इन्विटेशन दिया कि हम लोग यहाँ से लंच करके आगे बढ़ें। तो लंच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या बना है लंच। अभी है। हाँ, देखिए संस्कृति की इस भिन्नता को, इसको महसूस कीजिए। ये रंग कम्युनिटी का, जैसा कि मैंने बताया कि एक मंदिर बन रहा है, माता का मंदिर है, और माता के मंदिर के निर्माण के लिए जो पूजा अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं उसमें मीट भात का, ये मटन और चावल का ये प्रसाद जो है सारे गांव वालों को बांटा जा रहा है। और यही विविधता है जो हिंदुस्तान को बाकी सबसे अलग करती है, इतना खूबसूरत बनाती है। वाह, यहाँ से आगे बढ़ें उससे पहले ये विजुअल्स देखकर, जो अभी थोड़ी देर पहले माता के मंदिर में हम लोगों ने नॉनवेज फूड लिया, कई लोग अक्सर इस तरह के वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि नॉनवेज का जो कल्चर है वो देवी देवताओं को अमूमन आम तौर से नीचे लैंड में ये माना जाता है कि सिर्फ वेजिटेरियन, अगर भगवानों की जहाँ बात है या मंदिर अगर जाना है तो उस दिन अंडा नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है। लेकिन पहाड़ी कल्चर में हमेशा से एक एसेंशियल फूड हैबिट में शामिल रहा है नॉन वेजिटेरियन, और उसका शायद धर्म से ज़्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशन उसका कारण है कि जितने भी ठंडे इलाके हैं वहाँ नॉनवेज कंज्यूम किया जाता है। आज जो बलि वहाँ दी गई नीचे, उसके बारे में ये कहते हैं कि उसको घर नहीं ले जाते। जो हमारा जो आज देवी पूजा हुआ वो मीट पूरा, मतलब पूरा गांव का पूजा है और वो पूरा गांव जाता है वहीं पर, मतलब प्रसाद और चावल मीट ये बना के वहीं खा के पूरा ख़त्म कर देते हैं और आने जाने वाले जो भी है उनको भी खिलाते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे के सफ़र पर। तकरीबन 3,000 मीटर की ऊंचाई पर अब हम लोग पहुंच गए हैं। बुधी से कंटिन्यूसली चढ़ाई है अब आगे के लिए, और अभी हम पहुंचेंगे छिया लेक जहां पर हमारे पासेस चेक होंगे। अभी पासेस क्या हैं इसके बारे में आपको आगे वहीं पर विस्तार से बताते हैं जहां ये पासेस चेक होने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स चेक होने हैं। उस जगह का नाम है छिया लेक, और छिया लेक की बहुत सारी
किंवदंतियाँ उसके साथ में जुड़ती हैं, उनके बारे में भी आपको छिया लेक चलकर बताते हैं। ये बोर्ड देखकर आप समझ गए होंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नो एंट्री विदाउट इनर लाइन परमिट। ये वही इनर लाइन परमिट है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आदि कैलाश आप जाना चाहते हैं या ओम पर्वत आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए इनर लाइन परमिट इशू होते हैं। ये धारचूला में जो SDM हैं उनके ऑफिस से ये पासेज इशू होते हैं। अगर आप कभी यहाँ आना चाहते हैं तो आप किसी लोकल ट्रैवल गाइड से अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं इस तरह के पासेज अरेंज करने में। और मेडिकल भी चाहिए होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। मेरे हाथ में अभी किताब है, इस किताब का नाम है जितनी मिट्टी उतना सोना। ये किताब मेरे सबसे प्रिय लेखक अशोक पांडे की लिखी है। उन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ, कई महीनों बीते कुछ दशकों में वो यहाँ रहे और उसके बाद उन्होंने एक ट्रैवलॉग फॉर्म में इसे लिखा है और हमारी इस यात्रा के लिए बिल्कुल ट्रैवल गाइड की तरह से काम कर रही है। छिया लेक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मिथकों का देश है या इतनी सारी किंवदंतियाँ हैं और इतने सारे मिथक हैं, इतनी सारी कल्चरल फोक स्टोरीज़ हैं, ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छिया लेक की भी है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ संजीवनी बूटी की एक कथा प्रचलित है, उसी तरह की जैसी नीति के द्रोणागिरी में है। वहाँ पर भी द्रोणागिरी पर्वत के लिए कहा जाता है कि जिक्र मिलता है कि हनुमान जब यहाँ आए थे तो द्रोणागिरी पर्वत से ही वो संजीवनी लेकर गए थे। ठीक उसी तरह की मान्यता यहाँ के लिए भी है। ये यहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान छिया लेक से संजीवनी ले गए थे। और उसके पीछे की एक कथा कुछ यूँ है कि एक ज़माने में कोई संत थे, वो संत जब इस छिया लेक तक पहुँचे तो उन्होंने कोई पक्षी मारा और उसको पकाने के लिए जब किसी बर्तन में डाला तो एक पौधा यहाँ होता है। उस पौधे का नाम अशोकदा ने अपनी किताब में दर्ज किया है। उस तो अशोकदा इसमें लिखते हैं संजीवनी और छिया लेक का मिथक करके, उसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर जब वो संत आए तो यहाँ पर बीरू क्वल्सियन नाम का एक पेड़ हुआ करता था। बीरू क्वल्सियन पेड़ की एक टहनी उन्होंने तोड़ी और उसको करछी की तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे जो वो पका रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी को उस बर्तन में डाला तो वो जो पक्षी को जिसको वो मार कर पकाने लगे थे वो जीवित होकर उड़ गया। और संत की इस कथा के बाद बहुत लोगों को ये बात पता चल गई, संत को ये पहचान हो गई कि यही संजीवनी है। और उनके बाद बहुत लोगों को संजीवनी की तलाश में लोग यहाँ आने लगे, जानवर यहाँ आने लगे, सभी पशु पक्षी संजीवनी के लिए यहाँ आने लगे। तो उसी फोक टेल की मान्यता ये है कि तब संजीवनी ने खुद को बचाने के लिए वो यहाँ से गई और नेपाल का जो छांगरू गाँव है उसके ऊपर के पर्वत पर कहीं जा बसी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फोक यहाँ की है। इस तरह की तमाम फोक स्टोरीज इस पूरी घाटी में बहुत प्रचलित हैं। ये किताब आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बहुत दिलचस्प किताब है। और अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो यहाँ जब भी आएंगे आदि कैलाश तो बहुत सारी चीज़ें आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये हम आ गए हैं गरब्यांग गांव में, अपर व्यांस वैली का इसको पहला गांव माना जा सकता है। कभी मिनी यूरोप कहा जाता था और छोटा विलायत कहा जाता था, लेकिन आज उपमाएं बदल गई हैं। आज कहीं सिंकिंग विलेज कहा जाता है, कहीं डूबता हुआ गांव कहा जाता है, कहीं धंसता हुआ गांव कहा जाता है, क्योंकि पूरा विलेज धीरे धीरे सिंक कर रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हुए भी हम चलेंगे। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम वीरचंद्र सिंह गरब्याल। वीरचंद्र सिंह गरब्याल। अच्छा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जितने भी गाँव हैं पहाड़ में, ऐसा गढ़वाल में, कुमाऊँ में, तमाम जगह जैसा मिलता है वैसा ही व्यास घाटी में भी है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे गरब्याल जी हैं गरब्यांग गांव के, कुटी गांव के कुटियाल लोग होते हैं, बुद्धि के बुद्धियाल, नपलचू के नपलचाल, गुंजी के गुंजियाल, गुंजी के गुंजियाल, कुटी के कुटियाल, रंगपंग के रंगुली, अच्छा, और नाभी के नव्याल, नाभी के नव्याल। और इस गांव में ये कभी इतना संपन्न हुआ करता था जब तक 1962 से पहले ट्रेड चला करता था, है ना? मुख्य यहाँ पर लोगों की आजीविका मुख्यतः तिब्बत व्यापार होता था, लेकिन 60s में तिब्बत ट्रेड बंद हुआ और उसी समय पर यहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसके बाद उसी मतलब यहाँ पे जो जमीन धंसना शुरू हुआ 60-62 के। अभी लगभग कितने परिवार रहते हैं गाँव में?
आजकल तो कमी है, आजकल तो यहाँ तो आजकल पूजा के टाइम आते हैं 250-300 तक भी पहुँच जाते हैं। 250-300 परिवार पहुँच जाते हैं, आजकल कम है, आजकल 100 तक। हाँ जी, अब तो ये लोग भी तैयारी कर रहे होंगे नीचे। हाँ, कुंचा जाने की तैयारी है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरा 12 महीने रहते हैं, 12 महीना रहते हैं गांव में, कम से कम 15-20 परिवार रहते हैं। 15-20 परिवार। हाँ जी। अच्छा, यहाँ गांव में खेती वेती होती है कुछ चीजों की? खेती तो ऐसा सब ऐसा, आजकल खेती कमी करते हैं, नहीं तो पहले खेती था आपका, आजकल आलू सब्जी, पहले नहीं तो पहले फांफर हुआ करके होता था हमारे यहाँ का। अब फांफर अब बिल्कुल नहीं होता, कोई को 2-4 परिवार बोते हैं। अच्छा अच्छा, आजकल ये आपका सब्जी ज्यादा है, सब्जी बना लेते हैं सब बोने वाले। उसके बाद ये आपका आजकल ये है सेब, अखरूट तो नहीं होता, सेब अच्छे खासे फसल है। अच्छा, सेब लगाया है लोगों ने? लगा रखा है। अच्छे अच्छा हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, ऐसे कश्मीर की तरह नहीं होगा लेकिन है। यहाँ हमारे यहाँ ह्यानमजू का सबसे पहले हमारे यहाँ का मंदिर ह्यानमजू, पूरा गांव में सबसे पहले यहीं पूजा होता है, यहीं होता है। और ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ह्या, ये सब जगह यहाँ देवताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ह्या मतलब देवता। ये अच्छा, ये सेब लगे हैं छोटे छोटे, बेचने लायक भी हो जाता है लोगों का? बेचने लायक हो जाता है। अच्छा, और सेब पहले से भी होता था या अभी हाल फिलहाल में ही लोगों ने शुरू किया? बहुत पहले से था, बहुत पहले से। पहले से था लेकिन कम था। अच्छा, ज्यादा नहीं था, कम था, 2-4 परिवार बोते थे। अब तो सब हर परिवार में किसका 10-10-15-15 पेड़ भी है, अच्छे पेड़ अच्छा है। हाँ। तो हो जाते हैं। अच्छा, ये आपके गोभी के अच्छे अच्छे गोभी हो जाते हैं। अच्छा, राई हो जाते, सब्जी, मूली, गाजर, जो भी है आपका हर चीज मिली। अच्छा, लेकिन ये हमारे यहाँ बैगन है कि नहीं? अच्छा, लाइट आ गई है गांव में, बिजली है सब? ये सोलर प्लेट है सारा। और यहाँ पर फोन वगैरह कुछ सिग्नल? फोन सब वो नेपाल से। अच्छा, नेपाल वाला ही चलता है? चलता है। और हमारा वाईफाई है, वो जो गांव का वो इंटरनेट वाला वाईफाई वाला वो लगा है। अच्छा, तो उससे इंटरनेट कॉलिंग हो जाती है? हो जाती है, इंटरनेट से कहीं भी आप लोग दुनिया के कोने में कहीं भी कर सकते हैं वो वाईफाई से। वाईफाई से। हाँ। और ये बुजुर्ग जी यहाँ रहते हैं, परमा सिंह करके। अच्छा, परमा सिंह जी। बाबा कितने साल हो गए आपको गांव में? हाँ, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र 88 हो गया। 88? हाँ। अच्छा, आप शुरू से गांव में ही रहे? हाँ, गांव में। अच्छा, आप पहले आप भी गए कभी तिब्बत यात्रा में सामान लेके जाते थे? हाँ, तिब्बत में तो हम पहले तो वहाँ कितने साल बैठते थे। अच्छा। कितने महीने बैठकर फिर सामान ले आता था, ऊन, नून, नमक ऐसे ले आते थे वहाँ से। तो यहाँ से ऊपर जाते समय यहाँ के लोग सारा यहीं के लोग जाते थे, और सारा हमारे भारत का आदमी ऊपर जाकर व्यापार करता था। भारत जितना आदमी है, नेपाली भी जाके व्यापार करता था। उस समय तो कोई रोक टोक ही नहीं था। अब यहाँ कौन कौन रहता है, यहाँ घर में कौन कौन है? यहाँ तो मैं अकेला हूँ यहाँ अभी। यहाँ बिल्कुल अकेले? अकेले है, हमारे बहन लोग देखते हैं ना। अच्छा, तो खाना पीना वगैरह खुद ही बनाते हैं? कभी बनाते हैं, कभी हमारे बहन ला देते हैं। अच्छा, और बच्चे वगैरह बाहर रहते हैं? हाँ, सारे। तो आप अब सर्दियों में भी यहीं रहेंगे पूरा जाड़े में? नहीं। हाँ। अब 3-4 दिन में भागेंगे। अच्छा, कहाँ, धारचूला? हाँ। अच्छा, तो फिर हर साल आते हैं लेकिन आप? हाँ, आने के लिए। और इस साल गए और तो यहीं रहते हैं। अच्छा, अभी जी गुजर गए ना, उसके बाद जाना। अच्छा, तो जब तक मतलब जब तक आप दोनों लोग थे तब तक तो पूरा सर्दी में भी इधर ही रहते थे। हाँ। अच्छा, और ये क्या है? ये मीट है बकरी का। अच्छा, ये मीट है? हाँ, मीट है। अच्छा, ये धुआं लगा के सुखा रहे हैं इसको? नहीं। हाँ, ये धुआं तो अभी आग जला है ना। हाँ। इसलिए वहाँ कीड़ा नहीं बैठेंगे घर के धुआं में। तो कितने दिन का है ये अभी? ये वाला 8-9 दिन हो गए, 5-6 दिन। 5-6 दिन ये गांव में ही मारा था बकरा? हाँ, यही हमारे वो कमिश्नर साहब आया था ना। हाँ। कमिश्नर साहब। हाँ। तो उसने एक पूजा किया, एक बकरी। अच्छा। हमारे वो बहू था एक बल्ले तरह।
चिस्तु, उसने एक बकरी का पूजा किया। फिर बकरी का पूजा करते समय एक अगले पांव कुटी रख देते हैं मंदिर में, और धामी के लिए करके फिर वो देते हैं। अच्छा ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है? ये फूकने वाला। अच्छा चरखा। चरखा हाँ, मेड इन चाइना। ये मेड इन चाइना है? हाँ मेड इन। अरे वाह। अच्छा मतलब फूक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, इसी से वो हो जाएगा ऐसा होता है। अरे वाह। हाँ फूकने का जरूरी नहीं। अच्छा तो ये उधर ही से आया है, तकलाकोट से? हाँ तकलाकोट से पहले आया। पहले क्या बोलते हैं इसको? चरखा कहते हैं। चरखा। अच्छा और भी सामान, और क्या क्या सामान आप घर का लाते थे वहाँ से? जैकेट वैकेट कपड़ा वगैरह भी उधर से? कपड़ा हपड़ा वो समय तो लाता था, अब तो कपड़ा हपड़ा कुछ नहीं। जैकेट वैकेट लाते थे, वो जैकेट भी नहीं है। अच्छा उतारू ओढ़ने के लिए, वो आजकल ये गले जा होता है ना, ये धन हाँ उनका इतना अच्छा लंबा भी अच्छा भी डिजाइन का वो भी आता था, वो भी ले आता था। कितने तो वो मोहन के घर में वो पट्टू कितने हैं उनका तो। और इसको क्या कहते हैं? लांगबे। लांगबे। ये खाल, बकरी का खाल। बकरी के खाल जरा। ये बकरी भेड़ का हुआ, बकरी का भेड़ का हुआ नहीं, भेड़ का। और इसको क्या बोलते हैं? लांगबे। 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 ठीक है बाबा अभी चलते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है। तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से हम मिलके आ रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि ये स्टॉक किया गया है सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए लकड़ी। अच्छा और बीरचंद्र जी खुद तिब्बत ट्रेड में काफ़ी लंबा समय रहे हैं, आपने कितने साल रहे हैं आप तिब्बत में? जी 20-22 साल। 20-22 साल। अच्छा तो तिब्बती भाषा वगैरह और सब बड़े अच्छे से जानते हैं? तिब्बती भाषा तो अच्छी तरह से बोल लेते हैं, चाइनीज थोड़ा थोड़ा बोल ही लेते, वैसे पूरा समझ में आता है हर चीज़, वैसे व्यापार कर सकते थे। अच्छा और ये देखिए जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसका मैं मोन्टाज के बाद जो ओपनिंग आज के डे वन की हुई थी, जब हम धारचूला में थे तो मैंने आपको कहा था कि हम आपको लेकर चलेंगे उस देश में, उस नगरी में जिसे जहाँ के लोगों को तीन देशों का नागरिक कहा जाता है। आजी, आजी। तो इसीलिए रंग लोगों को तीन देश का नागरिक कहते हैं शायद, कि वो भारत के भी नागरिक हैं, तिब्बत के भी, इतने व्यापार इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं नेपाल से भी, और नेपाल से भी, नेपाल में भी रंग समुदाय के भी, रंग समुदाय के सब नेपाल से। अब हमारा तो शादी और भाई बहन जो भी है, शादी ब्याह और भाई बहन सब वहीं नेपाल से, शादी भी ब्याह पार से होता है, और हमारे रिश्तेदार को पार से नेपाल से, छंगरू तिंकर। हाँ छंगरू और तिंकर ये दो गांव हैं जो कि रंग समुदाय के हैं व्यास वैली के, लेकिन नेपाल वाले हिस्से नेपाल में, और थोड़ा धारचूला साइड में है आपका रफला। हाँ। सितोला ये भी नेपाल में, नेपाल में रंग समुदाय के, इसीलिए यहाँ लोगों को तीन देशों का नागरिक कहा जाता है। नागरिक देखिए इस फ्रेम में आप ये सीधा देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत नक्काशियों वाला, और क्या रौनक रही होगी कभी इस घर की। अब ये घर पूरा टिल्ट होके और पीछे झुक चुका है, और ये प्लॉट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ढलान आप सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं कि ये किस तरह से ढलान बन गई है, और सारे मकान पीछे को धंस गए हैं, नीचे ज़मीन में जा रहे हैं सब। कौस्तुभ एक बार वो जो उसकी तिबरी पे जो बना है, खोली पे जो बना है, खोली में उसको भी थोड़ा क्लोजअप उसका लेने की कोशिश करना। ये थोड़ा डिफरेंट है जो अमूमन खोली का गणेश हमको सब जगह दिखता है, उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा यहाँ के कल्चर में दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, मतलब हिंदू धर्म के भी मिलते हैं और थोड़ा थोड़ा बुद्ध बौद्ध धर्म के भी, मतलब दोनों धर्मों की संस्कृति मिलती है। हाँ जी हाँ जी। और जो यहाँ पूजा परंपराएं होती हैं उसमें भी दोनों तरह से होती हैं, मतलब कुछ परंपराएं हिंदू धर्म से जुड़ती हैं और कुछ बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म हमारे सब मिलते जुलते हैं, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं। हाँ देखिए ये एक ट्रेडिशनल रंग समुदाय का गरब्यांग का ये घर है, और ये देख रहे हैं इसी तरह से हमको
नीति में भी मिला था। जितने भी हायर एल्टीट्यूड एरियाज हैं अमूमन वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये मीट है जो पूजा का, अच्छा इसको क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ? स्याह। अच्छा स्याह मींस मीट। स्याह मींस मीट। अच्छा तो ये सब ये पूजा का है। हाँ जी। और इसको आप ऐसे सुखा, अभी शाम को अंदर रख देंगे इसको? अभी बारिश आ रही है ना तो अंदर रखना पड़ता है, बारिश नहीं आते तो हम बाहर ही छोड़ देते हैं। रात को भी बाहर छोड़ देते हैं? हाँ। तो जैसे अभी ये बाहर रहता है तो कोई पक्षी वक्षी नहीं आता इसको काटने? नहीं तो रात को नहीं आता कोई। नहीं दिन में तो फिर रखवाली करना? दिन में भी छोड़ देते हम लोग। जैसा हमारा कुत्ता है एकदम बड़ा, उसको बांध देते चल देते। अच्छा। कुत्ता काट देते हैं और पक्षी नहीं आते? और नहीं चील कौवा वगैरह नहीं? मतलब चील कौवा आता हमारे इधर, वह है का दवाई है लड़का रखा है। अच्छा ये क्या है? ये कौवे ना। हाँ कौवा है ये। एक बार दिखाई मरा हुआ ना? अच्छा ये मरा हुआ कौवा है? लेके आए तो खाली देखा तो मिला तो लेके आई। अच्छा ये देखो डर के नहीं आने वाले तो इससे डर के ये आते ही नहीं है, इसको देख के ही डर जाते हैं। अच्छा लड़का ठहरा ना मरा हुआ। हाँ तो इसलिए तो ये एक ही से काफी, मतलब ये यहाँ रहेगा तो इतना दूर तक भी नहीं आएगा कौवा? नहीं कोई टेंशन नहीं है, ऊपर मकान में क्या बोलते मीट टांग रखा वहीं वहाँ भी नहीं जाएगा। अच्छा जैसा मरा हुआ हम लोग को मिलता है ना तो लेके आते हैं। हम लोग देहरादून से आए। देहरादून से? अच्छा अच्छा क्या तो इस समय अब आप निकालने लगे हैं इनको? बारिश का मौसम बन रहा है, अभी बारिश आने वाली है ना, पड़ सकता है रात को, क्या पता सुबह में तभी जो है अंदर करना हुआ, नहीं तो बाहर। अच्छा बाहर रखेंगे तो हमको चार पाँच दिन में सूख जाएगा, फिर हमको तो जाना है। सफेद वाला ये चर्बी है? चर्बी। अच्छा चर्बी को भी सुखा देते हैं? अच्छा चर्बी तो बहुत काम आती है हमारे हाथ पटे में। मुँह में या होंठ फटेगा तो हम ये लगाते हैं। कैसे लगाते? गरम करना पड़ता है? आग में गरम, आग में गरम करके गरम किया फिर लगाया। अच्छा और खाने में भी डालता है? नरम हो जाता है खाने में। जैसे हम लोग थुप्पा बनाते हैं, अब क्या कहते हैं थुप्पा, थुप्पा तो वाटर आ गया उसका नाम क्या बोलते है तिब्बती लोग का, हम लोग तो कलंग बोलते हैं। कलंग कलंग। अच्छा तो उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं कलंग में? मतलब हम करेंगे आटे गूदेंगे। हाँ। आटा ही फिर उसको क्या बोले रोटी जैसे करके पीस बनाएंगे, सूखा मूली डालेंगे, चर्बी डालेंगे, मीट डालेंगे तब तो खाएंगे। अच्छा पानी डालेंगे जैसे नीचे आप लोग क्या बोलते हैं क्या क्या कहते हैं उसको, लंच में देखा ना मैंने। हाँ। थोक पानी चौथी हाँ ना, जैसे चौमन का पानी में आप लोग क्या क्या मिक्स करके पी देते हो, सूप सूप की तरह ठहरा हमारा। अच्छा सूप वूप बना के हम लोग जैसे हम लो तो ये जो मूली है ये भी यहीं का है, अभी की इधर का हुआ है? हाँ जी हाँ जी। अभी इसको छिला है और इसमें भी अलग अलग रखा है, देखो जैसे हर तरह का पीस अलग है शायद ना। जैसे ये क्या है? ये तो बाहर का पका हुआ है, खाल नहीं बॉयल वाला है। अच्छा ये बॉइल्ड है? हाँ। अच्छा हम पूरे गांव को बुलाते हैं। हाँ। तो उस समय का बचा हुआ ऐसा डाल। अच्छा और ये वह है मीठी है, ये भी ये पीस नहीं बना रखा अभी। अच्छा सीना वगैरह? अच्छा ये छोटा पीस नहीं बनाया मतलब? हाँ। ये सूख गया कहाँ से बनाए। और ये इधर फिर टांग वगैरह है? अच्छा और इसमें तो वो भी है मुंह वगैरह भी है सीरी सीरी, उसको पूरा ही सुखा देते हैं एक साथ? हम लोग इसको हड्डी फेंकते हैं फिर सुखाते हैं, फिर जाड़ा में जैसा हम लोग सूप बना के पीएंगे। अच्छा ये ठहरी है यहाँ की? अच्छा ये चर्बी है यार इसमें है, हाँ। सब चीज़ें वो करते हैं ना, जैसे मीट खिलाते हैं तो लोगों को कोमल कोमल मीट खिलाएंगे, ऐसी चीज रखेंगे। अच्छा ये अपने लिए रखेंगे, मेहमान को कोमल कोमल खिलाएंगे? अच्छा मतलब सब बॉयल करेंगे, मतलब फूल मान के सबको तीन दो दो पीस सबको मिलना चाहिए और कुछ। हाँ ये है यहाँ की खासियत। अच्छा बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बस अभी देर हो गया, अंधेरा हो रहा है, आराम से आना। लाइट बहुत ही कम हो गई है। हाँ ये वाला पुराने मकानों का दरवाजा। अच्छा है। सब नया डेंटिंग पेंटिंग करके सब। ये प्रमोद सिंह अग्रवाल का मकान है। अच्छा तो ये एक पुराना पारंपरिक मकान है, उसको रेनोवेट किया है, पेंट ये नए तरीके से किया गया है, पत्थर नए तरीके से लगाए गए हैं
ऊपर टिन लगा दी गई है, तो ये एक तरह से रीस्टोर हो गया है, बहुत ब्यूटीफुली रीस्टोर हो गया है। किसका? प्रमोद सिंह गर्बियाल जी का ये मकान है। गर्बियाल जी भी बाहर रहते हैं। प्रमोद सिंह जी क्या करते हैं? हल्द्वानी में हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको रीस्टोर कर लिया है। लाइट काफ़ी कम हो गई है, इसलिए हमको थोड़ी सी एडिशनल लाइट यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप डिटेलिंग देखिए इस खूबसूरत मकान की। ये 3 फ्लोर्स का मकान है और अभी भी रहने लायक है। रहते हैं। विक्रम सिंह गर्बियालों का मकान है एक। हाँ। एक ये मनोज गर्बियालों का मकान है। हाँ, मनोज गर्बियाल जी इस समय जज हैं। हाँ। अभी इधर हायर जुडिशरी में है, जेएस सर्विसेज में, और ये उनका मकान है। और इसकी क्या, इसका क्या महत्व है, ये मैं देख रहा हूँ ये कई घरों के आगे होता है। मकान में ये दर्चो कहते हैं हमारे। दर्चो। तो ये मकानों को मतलब सुरक्षा के लिए, सुरक्षा ये लगाएंगे तो मकानों का सुरक्षा होगा। और 1880s के अराउंड जब एटकिंसन ने गजेटियर लिखा, उसमें भी इसका जिक्र एटकिंसन ने किया है, और उन्होंने सब इनको ये लिखा है कि संभवतः किसी प्रैक्टिस के लिए या उसके लिए वो किया जाता है। कहते हैं दर्चो। अच्छा, और ये किस चीज़ का होता है पेड़? ये हमारे यहाँ भाषा में तो ओमन सिंह कहते हैं। अच्छा, ओमन सिंह। और ये किसी कोई समय होता है पर्टिकुलर जब ये लाया जाता है? ये हमारा हर 3 साल में बदला जाता है। हर 3 साल में इसको बदलता है। जैसे इस साल किया तो ये अब ये आपका 2025 में करेंगे। अच्छा, 25 में करेंगे, ठीक है। और ये इस तरह की कारीगरी या नक्काशी करने वाले अभी लोग कहीं हैं, बचे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। अब कोई नहीं है आज। तो ये था गर्बियांग गांव, जिसको कभी मिनी विलायत और मिनी यूरोप कहा जाता था, अब सिंकिंग विलेज के नाम से लोग इसको जानते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है, वो आपने देखा होगा कितनी शानदार नक्काशियों से बना हुआ। अब यहाँ पर ये एक वाईफाई कनेक्शन लगा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके थ्रू अभी मोबाइल कनेक्शंस अभी इस एरिया तक नहीं पहुँचे हैं। कुछ BSNL चल जाता है यहाँ? नहीं, अभी नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता है। लेकिन कुछ गांव में जैसे नपलचू वगैरह में कहीं चलने लगा, गुंजी में चल रहा है, गुंजी में कुछ गाँव में। और अभी सुन रहे हैं कि कुछ और प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर आने वाली हैं, लेकिन फिलहाल ये वाईफाई यहाँ पर है तो लोगों को इंटरनेट मिल जाता है। और आप देखेंगे कि एक भाई साहब यहाँ बैठे भी हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो वैसे तो पूरे गांव तक ही पहुंच जाता होगा इसका? नहीं, नहीं, इसका यही एरिया है। अच्छा, यही एरिया है, ये एरिया है। तो आप लोग यहीं आते हैं और यहाँ वाईफाई के लिए आप यहीं आ जाते हैं? आप कोई नेट चलाएंगे तो नेपाली से भी होके घर घर में नेपाली से कर ले। अच्छा, नेपाली सिम से तो घर घर में चल जाता है। अच्छा, तो ये था गर्बियांग गांव। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नपलचू के लिए, जहाँ हमारा आज का स्टे है, और उसके बाद कल सुबह निकलेंगे एक नई यात्रा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरचंद सिंह जी। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको गांव घुमाया, गांव के बारे में जानकारियां दी। जी, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, काम में आते रहिए। जी, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। तो डे वन के अंधेरा होते होते हम लोग पहुंच चुके हैं नपलचू, और नपलच्याल लोगों का ये गांव है। IAS सर्विसेज में और उत्तराखंड की PCS सर्विसेज में आपने कई लोगों को नपलच्याल नाम से देखा होगा, जाना होगा। रंग कम्युनिटी के लोग इसी गांव से हैं। चीफ सेक्रेटरी भी रहे और उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे नृपसिंह नपच्याल जी, उनका भी ये गांव है। यहां पर हमें एक होम स्टे मिल गया है जहां पर हम आज रुकेंगे, और कल सुबह सुबह निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। तो रंग कम्युनिटी की तिलिस्मी दुनिया का सफ़र अभी जारी है। डे वन का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और तैयार रहिए डे टू के इससे कई गुना ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए, क्योंकि कल हम पहुँचेंगे छोटा कैलाश और यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी।